थोड़ा लेट हो जाता हूँ। वो GT650 एग्जॉस्ट के साथ, नाइस साउंड, बढ़िया गाड़ी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है गाड़ी चलाने वालों के लिए, तो ऑक्सीजन है वो जो धमाके हैं, वो मतलब साउंड नहीं है, वो म्यूजिक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज वीडियो का एक दिन का गैप देके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं कंटिन्यू 30 दिन के 30 वीडियो बनाऊंगा। मैंने 30 दिन के 30 वीडियो बना के 30 दिन अपलोड कर दिए। टाइम के ऊपर नीचे जरूर हुई, लेकिन दिन खत्म होने से पहले पहले मैंने वो अपलोड कर दिए। और आज कल हो चुके हैं वो 30 दिन पूरे। आज मैं बना रहा हूँ 31वां वीडियो, वही हो खराब ओला के साथ। देख रहे ओला की सर्विस चेक कर लो, मतलब वो बंदे फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं। अब कल जाऊँगा, माथा पर जाऊँगा। और हाँ, एक दो दिन पहले ही सब्सक्राइबर भी 3000 पूरे हुए हैं, उसके लिए भी थैंक यू सबको। और चैलेंज भी कम्प्लीट हो गया, उसके पे सपोर्ट दिखाने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू। तो जो जिन्होंने भी सपोर्ट दिखाया है, जो भी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के भी ऐसे ही बनाए रखें, ओला पे वीडियो चाहिए या और किसी चीज़ पे चाहिए, और वो सब जो है वो सब कमेंट करके बताना मेरे को। और लास्ट वीडियो ख़राब हो गया था, देखा होगा हुआ भी क्या, मतलब रेंडम चीज़ हुई और माइक ख़राब, मतलब कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, उसके अलावा गाड़ी ख़राब, गाड़ी में दिक्कत हो गई। अब उसकी भी सर्विस करवानी है पड़ेगी, वहाँ चेक करवाऊँगा उसको, और इसको भी देके आनी है, मतलब प्रॉब्लम भी सारी आ गई है, और थोड़ा और सपोर्ट चाहिए। तो गाइस, आज यही था वीडियो। और दूसरी चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि वीडियो, मतलब आज मैंने देखा कि किसी के, मतलब कईयों को नहीं पता हो कि ओला कैसे चलती है, मतलब ऑफ़ करी है तो वो कैसे स्टार्ट करे। तो मैं देख रहा हूँ जिनके पास ओला है वो बताएं और ये वीडियो दिखा दें, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसी में ऐड कर दूँगा, क्योंकि वीडियो भी छोटा है तो वो ऐड हो जाएगा और आज का वीडियो भी कम्प्लीट हो जाएगा। आज सिर्फ ये ही वीडियो बनाने के लिए कि कम्प्लीट हो चुके हैं, कल से हो सकता है वो दूसरे वीडियो आए, या एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं डाल ही दूँगा। ये 30 दिन का तो मुझे खुद को लेना था चैनल, अब हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालेंगे कुछ ना कुछ करके। तो भाई जाना जगह ही जगह, क्या लिए हॉर्न बजा रहे हैं। तो फिर वीडियो बनेंगे डलेंगे, बाकी तो कल मैं इसको सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, तब पता पड़ेगा वो क्या बोलते हैं। कल उनके माथे पे जाके खड़ा होऊंगा। ये तो क्या, मेरे को टाइम नहीं मिलता, इस चक्कर में मैं रह जाता हूँ। मेरी क्लासेस चलती है, मैं 2 बजे तक घर पहुँचता हूँ, तो मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। वो GT650 एग्जॉस्ट के साथ, नाइस साउंड, बढ़िया गाड़ी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है गाड़ी चलाने वालों के लिए, तो ऑक्सीजन है वो जो धमाके हैं, वो मतलब साउंड नहीं है, वो म्यूज़िक है, ब्रूम ब्रूम। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि ओला S1 Pro को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना जो गाड़ी का ये पावर बटन है इसको प्रेस करना है, उसके बाद जो भी आपकी गाड़ी का पासवर्ड है वो फिल करना है। फिल करने के साथ ही सबसे पहले पार्किंग मोड पर आएगी, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैंड हटाना है, ठीक है। जब तक आप स्टैंड नहीं हटाएंगे ये स्टार्ट नहीं होगी, ये पार्किंग मोड पे ही रहेगी, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंड हटाना है, स्टैंड हटाने के बाद ही ये आगे की प्रोसेस करेगी, ठीक है गाइज, तो ही ये स्टार्ट होगी, आगे तरीके से स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको स्टैंड हटा लेना, जैसे मैंने स्टैंड हटा लिया है, अभी पावर बटन दबाना है और आपको ब्रेक दबाना है, जो कि पीछे का ब्रेक है उसको दबा के आपको पावर बटन दबाना है, देन ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस।